लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मालेला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है, वे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सीनियर लीडरशिप हिरासत में है, लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने और सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद भाजपा आने वाले समय में हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल में डालेगी। आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों के घर रेड होगी, हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी का इरादा आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने का है। उन्होंने कहा कि वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेंगे। हम सबको जेल में डालने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी पर हमला करते हुए आतिशी ने कहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, केजरीवाल के सिपाही हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस बची है, हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश को बचाने का काम करते रहेंगे। आपके हर विधायक को, हर आदमी को जेल में डाल दो, उनकी जगह 10 और लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे। ईडी द्वारा खुद का नाम लिए जाने पर आतिशी ने कहा कि यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि कल ईडी ने सौरभ भारद्वाज और मेरा नाम कोर्ट में लिया। एक ऐसे बयान के आधार पर हमारा नाम लिया है जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। यह बयान सीबीआई की चार्जशीट में है और ईडी के पास है, तो इस बयान को अब उठाने का क्या मतलब था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।